हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रोशन मिश्रा। एलजेब्रा हम लोग कंप्लीट सीरीज़ देखने वाले हैं, उसी कड़ी में आज ये हमारा दूसरा क्लास है। आज से हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही डीप में जा करके उसको डिस्कस करूँगा। इस चीज़ से उन सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जिसे कुछ भी नहीं आता, एलजेब्रा का ए भी नहीं आता है। रहा बात, धीरे 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 हमारा लेवल क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। हम लोग टोटल 600 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका जल्द ही पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इससे पहले करें क्या कि हमारा एक ऐप है रोशन मिश्रा मैथमेटिक्स, गूगल प्ले स्टोर पर से आप ज़रूर उसे डाउनलोड कर लें। हालाँकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद वहीं पर हमारा क्वेश्चन भी अपडेट हो जाएगा बहुत जल्द, 1 से 2 दिनों में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि पिछला सेशन आप लोगों ने देखा होगा। अगर जिसने भी नहीं देखा है तो पिछला सेशन आप जा करके देखिए, वहाँ पर हमने एलजेब्रा का लगभग में जितने भी तरह के फार्मूलेज पूछे जाते हैं, प्लस कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो जिनका भी आज ये पहला क्लास है, आप उस क्लास को देखें और उसके बाद ये आज आपका दूसरा क्लास होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इतना ये चीज़। दूसरा बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है वो चलता है पटना के मुसल्लापुर प्रोफेसर कॉलोनी शाहगंज में, और दूसरा जो हमारा ब्रांच है वो चलता है राजेंद्र नगर दिनकर गोलंबर के पास, महाराणा प्रताप भवन के ऑपोजिट। ठीक है, तो ये हमारा 2 ऑफलाइन ब्रांच भी है, तो कोई भी अगर ऑफलाइन में इंटरेस्टेड होंगे तो आकर के हमारे पास पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करेंगे हम पहले नंबर के क्वेश्चन से। लेकिन पहले नंबर के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, हालाँकि वो मैंने फार्मूला में डिस्कस किया है, बट फिर भी इसको आप समझिएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था एक पॉइंट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, और एक और पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि ए माइनस बी बाय ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बाय सॉरी ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। इसके साथ एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, अगर ये उल्टा हो जाए, ए माइनस बी पहले आ जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये आ जाए, तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, बट एक बार मैं फिर से इसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा लगभग में 25 से 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका बचा जो रह जाएगा वो बचा रह जाएगा 2 बार ए स्क्वायर और 2 बार बी स्क्वायर, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 2 into ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे ही आप इसके फार्मूला को तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने पिछले क्लास में इसे डिस्कस किया है। और इसी तरह से जब आप इस फार्मूला को तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इस फार्मूला को याद रख सकते हैं 4ab के तरह। ठीक है, 4ab। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से समझ में आ जाएगा, या नहीं तो आप इसको तोड़ करके देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन यही चीज़ अगर a माइनस बी पहले आ जाए और a प्लस बी बाद में आ जाए तो ये माइनस में आ जाएगा आपका 4ab। क्या आ जाएगा, माइनस में। क्यों आएगा ये हमने पिछले क्लास में बताया है, आप इस फार्मूला को भी तोड़ के देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि a प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का अगर आप एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो a माइनस बी को अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
अब यहां पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या। अब आप यहां पर देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसको रखेंगे तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसके इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसी तरह से इस फार्मूले को भी देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको उल्टाएंगे, प्लस वाला पहले माइनस वाला, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। एक और हम लोग पॉइंट देख लेंगे, मतलब ये टर्म आपका पहले आ जाए, a माइनस बी बटे ए प्लस बी, और उसमें से माइनस कर देंगे a प्लस बी बटे ए माइनस बी, ठीक है। तो ऊपर में आपका क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए ऐसा आएगा क्या, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4ab by a square minus b square। अगर आप गौर से देखोगे, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ठीक है, तो नीचे में a square minus b square ही है, नीचे में a square minus b square ही है। प्लस वाले में क्या हो जाता, 2 into a square plus b square हो जाएगा, जबकि माइनस वाले में क्या हो जाएगा, हमारा 4ab हो जाएगा। बट अगर ऊपर में माइनस वाला टर्म है और पहले आया हुआ है, तो इसी चीज को हम लोग माइनस 4ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए, एक तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम पहले छोटा सा पॉइंट है। इसके बाद हमने आपको जो बताया था उस पर भी आप थोड़ा गौर करेंगे कि इसके बाद हमने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बताया था और क्यूब का भी हमने बताया था, तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखना है, हमने आपको बताया था कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पता करना है तो दो तरह से फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, और एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। इसी तरह से अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमें निकालना है तो हम लोग यहाँ पर एक ही फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ओके। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब आप ऊपर से लेकर के नीचे तक देखिए, हाँ, यहाँ पे आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो लिखा है सर ने, लेकिन ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर ने लिखना छोड़ दिया, ठीक है। तो असल में इसका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इस तरह से नहीं होगा, इसका फार्मूला ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करने से ए माइनस बी से होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल अभी फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक। अब आप यहां पर देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए और बी का इस्तेमाल हो रहा है, ए प्लस बी का एक बार इस्तेमाल हो रहा है और ए इंटू बी का हो रहा है, ए माइनस बी या ए इंटू बी, ए प्लस बी या ए इंटू बी, ए माइनस बी या ए इंटू बी, यानी इस तीनों ही फार्मूला में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास चाहिए क्या सब, आपके पास या तो ए प्लस बी और a इंटू बी का कम्बिनेशन चाहिए, इस दोनों का फार्मूला चाहिए, ये दोनों ही टर्म चाहिए, या a माइनस बी इंटू a माइनस बी एंड a इंटू बी का कम्बिनेशन चाहिए, या तो इस दोनों का कम्बिनेशन चाहिए या तो इस दोनों का कम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं इस चारों फार्मूला में से। अगर a प्लस बी है और a इंटू बी है तो ये आपको जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, a माइनस बी है तो a इंटू बी है, ये कम्बिनेशन बन रहा है, ए प्लस बी है तो ए इंटू बी है, ये भी तो ए प्लस बी हुआ ना, और ए माइनस बी है तो ए इंटू बी है, ये भी क्या है, ए माइनस बी ही है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्बिनेशन हमें खोजना है, या तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी एंड ए इंटू बी, या तो ए माइनस बी एंड ए इंटू बी, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को हमें खोजना पड़ेगा, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे, तो इतना चीज तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि देखो भाई ये सब चीज का जरूरत है,
अरे भैया आप सब्जी बनाओगे या मटन बनाओगे या कुछ भी आप बनाओगे तो उसके लिए जो सब जरूरी है वो सब तो पहले रखोगे ना, कि डायरेक्ट मटन बन जाएगा, डायरेक्ट सब्जी बन जाएगा, बताओ ऐसा संभव है क्या कि डायरेक्ट आए और बाज़ार से आए और डायरेक्ट मटन बना के खा लिए? भाई तो मटन चाहिए, मसाला चाहिए, प्याज चाहिए वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ चाहिए, उतना तो मुझे नहीं पता है। ठीक है चलो तो आ जाते हैं हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आप देखिए लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला नंबर का क्वेश्चन आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मिल जाएगा। ठीक है क्वेश्चन का सारा 600 प्लस क्वेश्चन का, या नहीं तो आप हमारे ऐप पे रोशन मिश्रा मैथमेटिक्स जो कि आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल में, डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल डॉक्यूमेंट में। ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पूरा लिखा हुआ है रूट थ्री प्लस रूट टू बाय रूट थ्री माइनस रूट टू। ध्यान से देखते चलना है, इससे क्या होगा कि हम लोग एकदम शुरू छोटा से शुरू करेंगे लेकिन यही सब चीज़ पहले हमारा बेस मजबूत रहेगा, फिर हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और आपको जो है सो वैसे ही बोल दिए कि देखो उड़ गया, ऐसे वैल्यू रख दो उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो गप देने से काम नहीं चलता है, गप देने से काम नहीं चलता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है और पहले आपको शुरुआत हमेशा छोटे छोटे बातों से ही करना पड़ेगा। आप अचानक से छत पे नहीं चढ़ सकते, चार मंजिल पे नहीं चढ़ सकते, एक एक सीढ़ी करके आपको चढ़ना पड़ेगा। ठीक है तो आप भी जिसको आता है पहले से तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके साथ दिया हुआ है, मैं लिखूंगा और आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पॉज कर लेंगे बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे कैसे बन रहा है। चलिए इसके बाद आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट थ्री प्लस रूट टू बाई रूट थ्री माइनस रूट टू। अब प्लस दिया हुआ रूट थ्री माइनस रूट टू बाई रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है 9, 10, 12 एंड ऑप्शन भी आप यहां पर अगर लिखना चाहूं तो 9, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 10, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 12 एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ 14, ये चार ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है तो रूट थ्री माइनस टू एंड रूट थ्री प्लस रूट टू, अगर आप इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो बताइए कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम अगर लेते हैं तो ए माइनस बी ए प्लस बी। पहले मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है फिर मैं आपको बताऊँगा एक और तरीका से, फिर मैं बताऊँगा एक और तरीका से, इससे क्या होगा कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट थ्री का अगर आप स्क्वायर करोगे तो तीन होगा और रूट टू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो दो होगा। ठीक है अब ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में क्या आ जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू का मल्टीप्लाई यानी रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई, नीचे में हमने स्क्वायर कर चुका है, नीचे में हमने स्क्वायर कर चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। ठीक है ये हमने आपको बताया था। अब आप यहाँ पर ऊपर में देखिए कि क्या करेंगे, a के जगह पर रूट थ्री है तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और बी के जगह पर रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 1। तो आप 3, 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। तो इतना आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, इतना आपको लिखना नहीं है। जब मैंने अभी आपको समझाया था कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी और ऐड करना है a माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो अभी आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते, ठीक है कोई कुछ नहीं। तो डायरेक्ट आपको कैसे लिखना था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अंतर यहाँ पर आपको लिख देना था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अंतर आपको यहाँ पर लिख देना था। मतलब ऐसा है कि अगर ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ऐसे मिले तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको करना क्या है सीधा सीधा 2, देखो ध्यान से एकदम छोटा छोटा, अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो फिर आप यहाँ पर शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 3, बी स्क्वायर 2 प्लस होता है, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा 3, बी स्क्वायर होगा 2, दोनों का अंतर 1, हम लोग 3, 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं 10, यानी ये भी असल में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है
दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सेम ही असल में तरीका है, रूट थ्री प्लस रूट टू, नीचे में रूट थ्री माइनस रूट टू। रेशनलाइजेशन कर लेते हैं हम लोग किसका, डिनोमिनेटर का, ऊपर नीचे क्या करते हैं रूट थ्री, असल में इसमें भी करना पड़ेगा, वहाँ इसमें भी करना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा बेटर यही है। ऊपर नीचे आप कैसे करेंगे, रूट थ्री प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट थ्री प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक टर्म और जो है रूट थ्री माइनस रूट टू, अब बटे क्या दिया हुआ, रूट थ्री प्लस रूट टू, इसमें भी क्या करेंगे, रूट थ्री माइनस रूट टू से करेंगे और रूट थ्री माइनस रूट टू से करेंगे, तो इसके हर का परमीकरण हो जाएगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन हो जाएगा, रेशनलाइजेशन फॉर्म में आ जाएगा ये। तो अब क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, बात यही पे आके अटक गया, और थ्री माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा जो कि यहाँ पर हमने लिखा है, टू इंटू थ्री प्लस टू बाय थ्री माइनस टू, यहाँ पर एक आ गया और इसके नीचे में भी क्या आ गया, तो इसको ऐड करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा ऐड हो गया, क्योंकि इसके नीचे में एक है, इसके नीचे में ऐड है, एक है, तो तीन दो पाँच, पाँच दूनी दस, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा बेटर है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है, लाइक तो करो ही, लाइक तो करते नहीं हो तुम लोग यार, ऐसे ही बस फालतू फालतू टीचर सबको देखते रहते हो तुम लोग, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ देख लो क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री माइनस वन, इसी तरह का सेम ही क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन, रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस वन। अगर आप इसका भी ऑप्शन देखना चाहेंगे तो कि ए छः लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन चार है, तीसरा ऑप्शन तीन है, और चौथा ऑप्शन पाँच आपका दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, टू इंटू ए स्क्वायर, यानी तीन, रूट थ्री का स्क्वायर तीन और एक का स्क्वायर एक, तो तीन में एक को ऐड कर देंगे चार हो जाएगा, बताइए होगा क्या। और इस दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर तीन होगा और एक का स्क्वायर एक होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, नीचे दो, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा और आपका सिर्फ बचा क्या रह जाएगा, चार, आंसर कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी देखिए क्या दिया हुआ, तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ टू माइनस रूट थ्री। देखो माइनस प्लस का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा तभी ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री, प्लस फिर दिया हुआ टू प्लस रूट थ्री बाय टू माइनस रूट थ्री, ये तो प्लस वाला है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है, बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको करना क्या है, ऑप्शन अभी इसमें हम लोग नहीं देते हैं, यहाँ पर सीधा क्या करना है, इस दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लिखना है, दो का स्क्वायर चार, रूट थ्री का स्क्वायर तीन, तो डिफरेंस क्या आ गया, एक, ठीक। 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना, सीधा क्या लिखना है, 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा 4, और रूट थ्री का स्क्वायर प्लस में आएगा तो 3, ठीक है, तो 4 3 7, 7 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, क्लियर हो पा रहा है क्या, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग चौथा क्वेश्चन भी देख ले, चौथा क्वेश्चन भी देखो भैया, हम इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि जिंदगी में कभी आपको एलजेब्रा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर एकदम कितना एक ही टाइप का क्वेश्चन देते जा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, 600 प्लस क्वेश्चन कोई मामूली संख्या नहीं है, 600, तो 600 क्वेश्चन मैं आपको एकदम प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए आप एकदम प्रैक्टिस करते रहो, समझ लो कि ये प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो चलो चौथा नंबर का भी क्वेश्चन आप देख लो कि रूट सेवन माइनस रूट फाइव है, बाय लिखा हुआ रूट सेवन प्लस रूट फाइव प्लस रूट सेवन प्लस रूट फाइव बाई रूट सेवन माइनस रूट फाइव, बताइए इसका भी क्या होगा, जल्दी से आपको आंसर ही डायरेक्ट लिख देना है। तो इस दोनों का अंतर दो, देखो इस दोनों का अंतर दो, स्क्वायर करके डिफरेंस देखेंगे तो दो, और टू इंटू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर सात, इसका स्क्वायर पाँच, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का साइन है, तो टू इंटू, तो टू तो आपका इस टू से कट जाएगा, टू इंटू सात प्लस पाँच बारह, तो ये दो दो कट जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, बारह, ठीक
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे। देखो भैया, हमारा टारगेट जो रहेगा वो एक दिन में 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। एक दिन में 15 से 20 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। इससे क्या होगा कि हमारा 30 क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा, नहीं तो फिर लटकंत विद्या में रह जाना। इसके जस्ट बाद फिर हम लोग कुछ और भी स्टार्ट करेंगे। चलिए आते हैं फिर हम लोग पांचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि क्या दिया हुआ। पांचवें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट थ्री प्लस रूट टू। पीडीएफ भी आपके हाथ में होना चाहिए, रूट थ्री माइनस रूट टू। हमारे ऐप पर से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लो पहले उसको, ठीक है, और पीडीएफ आपके हाथ में होगा। एक नोट्स हमेशा बनाते चलो, एक नोट्स अगर आपका बनता जाएगा तो फिर आपको बार बार वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इस बार क्या आ गया, माइनस में आ गया। देखिए माइनस में आ गया। अभी हमने बताया था कि a प्लस बी बाय ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाय ए प्लस बी बराबर 4ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूछ रहा है बराबर में क्या होगा। इसका ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ, पहला ऑप्शन है 4√6, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 5√6, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 6√6, चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 6। ठीक, अब आप यहां पर देखेंगे कि क्या होगा। आप खुद बताइए कि इस दोनों का अंतर डायरेक्ट लिखेंगे तो एक, अरे इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, तो अंतर क्या आ जाएगा एक, और 4ab क्योंकि 4ab यहां पर प्लस है फिर यहां पर माइनस है, तो कम वाला जो है घट रहा है, तो घट रहा है तो प्लस आएगा, प्लस 4ab आएगा। यहां पर साइन का कोई मुद्दा नहीं है, प्लस 4 into a, तो a क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू बी, बी क्या हो जाएगा आपका रूट 2। तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 4√6, आंसर आ गया आपका 4√6। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया हुआ है, रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। इस बार माइनस है, रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1। जल्दी से आप करने का कोशिश करो जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ। तो दूसरा, पहला ऑप्शन है 2√3, दूसरा ऑप्शन है हमारा 4√3, तीसरा ऑप्शन है हमारा 6√3, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कर लिए क्या, यहाँ पर आपको क्या लिखना है नीचे में, 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 2, 4ab, तो 4ab रूट 3, 4ab, a आ गया रूट 3 और b आ गया 1, तो रूट 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 आएगा। अब यहाँ से आप जैसे ही इसको काट देंगे तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2√3, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्लियर हो पा रहा है क्या, आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवें नंबर का। अरे भैया मजा आ रहा क्या, देखिए आप लोग जो है सो लाइक वाइक नहीं करते हैं, समझे, हम पटना से हूँ तो पटनिया भाषा में बोल रहे हैं, लाइक थोड़ा कर दीजिए। बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं, है? खाली ऐसे मंगनी में देखने से काम चली ना चली काम, तो यही लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए भैया, नहीं तो बहुत खराब बात हो जाएगा, बुझ जाइए फिर भयंकर मार हो जाएगा। चलिए आते हैं सातवें नंबर पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ इस बार दिया हुआ 2 √3 बाय 2 √3, 2 √3 और माइनस है 2 √3 बाय 2 √3। ये तो देखिए बीच में माइनस का साइन है, नीचे में तो आपको पता ही है, इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है क्या सब होगा, आप लोग जल्दी से करने का कोशिश कीजिए, कोशिश करें कि माइंड में ही आप लोग कर ले इस क्वेश्चन को, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 8√3 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ -8√3। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक में कर चुके होंगे। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो अंतर आ गया आपका 1। नीचे में तो अंतर ही लिखते हैं हमेशा। अब ये देखिए माइनस का साइन है लेकिन बड़ा वाला, ये 2 √3 बड़ा टर्म है, 2 √3 छोटा टर्म है, तो छोटा टर्म से बड़ा टर्म घटेगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -4 into a, a आपका क्या है 2 और b आपका क्या है रूट 3। तो आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8√3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए आते हैं फिर हम लोग आठवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 - √5, √7 - √5 बाई √7 + √5 -√7 + √5 बाई √7 - √5। देखिए ये आपका दिया हुआ, ठीक है, और इसका भी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या सब है। इसका ऑप्शन है 2√35,
टू रूट पैंतीस, दूसरा ऑप्शन है माइनस टू रूट पैंतीस, तीसरा ऑप्शन है फोर रूट पैंतीस और चौथा ऑप्शन है कुछ भी लिख लो नन ऑफ दिस, कोई बात नहीं है। ठीक है, कर लिए क्या? जैसे ही कर लो, देखो अब, देखो 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 अब इधर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना। इस दोनों का अंतर सीधा सीधा क्या लिखोगे, दो। सात और पांच का अंतर, अरे भैया ऊपर में स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो उड़ जाएगा ना, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, दो। इस बार क्या है, फिर से वही बात है, बड़ा वाला बाद में है और छोटा वाला संख्या पहले है, तो माइनस तो लगेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, फोर इंटू ए बी लगेगा क्योंकि ये बीच में माइनस का साइन है, प्लस का साइन में टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अभी ये माइनस का बीच में यहाँ पर साइन है तो माइनस फोर इंटू ए इंटू बी, तो ए आपका क्या हो जाएगा रूट सेवन और बी हो जाएगा रूट फाइव, तो सात को पाँच से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा रूट पैंतीस। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, दो से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस टू रूट थर्टी फाइव, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्लियर हो पा रहा है क्या? चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नौवें नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नौवें नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, अब स्क्वायर वगैरह का क्वेश्चन हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट थ्री प्लस रूट टू बाई रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपको प्लस करना है रूट थ्री माइनस रूट टू बाई रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, ये आपको प्लस करना है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग जल्दी से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 96, 98 तीसरा ऑप्शन है, 100 और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ 94। तो इस बार आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर सोचिए कि ये आ गया ए स्क्वायर और ये आ गया बी स्क्वायर। ठीक है, अप्रोच को समझने का कोशिश करना आपको, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर, ये आ गया आपका बी स्क्वायर। हमने अभी आपको बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा तो आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या दूसरा तरह से आप निकाल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो दोनों ही तरह से आपको निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले इस तरीका का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर दोनों में गौर कीजिए कि पहले वाले में ए प्लस बी और ए इंटू बी का कम्बिनेशन चाहिए, दूसरे वाले में ए माइनस बी और ए इंटू बी का कम्बिनेशन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों ही तरह से बताता हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक ही तरीका का इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए तो ए प्लस बी करते हैं तो इस टर्म को अगर इस टर्म के साथ हम लोग ऐड करेंगे, तभी हमने आपको बताया क्योंकि पिछला आठों का आठों क्वेश्चन उसी चीज़ पे तो निर्भर था, आठ आठ क्वेश्चन हम लोग उसका प्रैक्टिस किए हैं। तभी ए प्लस बी और ए इंटू बी दोनों ही हमें कम्बिनेशन पता होना चाहिए। ए प्लस बी हम लोग कैसे करते हैं, तो रूट थ्री प्लस रूट टू बाई रूट थ्री माइनस रूट टू, रूट थ्री माइनस रूट टू बाई रूट थ्री प्लस रूट टू, अभी हमने आपको बताया था कैसे इसे सॉल्व करना है। प्लस का साइन है तो ऊपर में क्या आ जाएगा टू इंटू रूट थ्री का स्क्वायर तीन और रूट टू का स्क्वायर दो, तो दोनों मिल के क्या हो जाएगा पाँच, और नीचे में क्या आ जाएगा आप इस दोनों का अंतर यानी एक। तो ये आपको जल्दी से निकालने के लिए आना चाहिए, पाँच दुनी क्या हो जाएगा आपका दस हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया था टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब a इंटू बी अगर हम लोग निकालते हैं तो a इंटू बी बराबर हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू से कट जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर ये क्रॉस में कट जाएगा, तो क्या बचा रह जाएगा आपका एक। अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दस का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू वन, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा दस का स्क्वायर माइनस दो यानी 98 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका मन हो गया नहीं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी आपको करना पड़ेगा। अगर आप a माइनस बी करेंगे, ये टर्म करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमने अभी आपको बताया था कि नीचे में तो दोनों का अंतर ही होगा स्क्वायर का, एक ही होगा। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा 4ab, तो 4ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू यानी रूट सिक्स। ओके, तो ये आपका आ गया 4 रूट सिक्स, सही है। अब आते हैं हम लोग a इंटू बी पे, तो a इंटू बी तो आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 रूट छः का होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 16 छाके 96, तो 96 आ गया। अरे भैया 4 रूट सिक्स का होल स्क्वायर करेंगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 रूट सिक्स का होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और रूट सिक्स का भी स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, तो 16 छाके 96 प्लस 2ab, इस बार तो प्लस होगा 2ab, तो प्लस 2 इंटू 1 करते हैं, तो 96 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा। ठीक है,
तो आप इस दोनों ही तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आते हैं हम लोग 10वें नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। दसवें नंबर का क्वेश्चन आप देखो कि 10वां नंबर का सेम ही क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना चाहिए। रूट सेवन प्लस रूट फाइव बाई क्या दिया हुआ, रूट सेवन माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर है प्लस रूट सेवन माइनस रूट फाइव बाई रूट सेवन प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर, और इसका ऑप्शन जो दिया हुआ आप लोग जल्दी से करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से आपसे हो जाए। ए का 144, बी का 142, सी का 140 और डी का दिया हुआ 135, ठीक है। चलिए तो आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपको चाहिए ए प्लस बी और आपको चाहिए ए इंटू बी। तो ए इंटू बी आपको दिख रहा है कि एक होगा। अब ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी चाहिए तो टू इंटू ए स्क्वायर यानी सात प्लस बी स्क्वायर यानी पाँच बटे दोनों का अंतर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंतर, तो रूट सेवन का अंतर सात, रूट फाइव का अंतर पाँच। तो इतना भी आपको नहीं लिखना है, सीधा क्या लिखना है, सात पाँच बारह गुना दो, और ये पाँच में सात में से पाँच जाएगा तो दो, तो दो से दो आपका कट जाएगा, तो ए प्लस बी जो आपका आ जाएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा, बारह आ जाएगा, और ए इंटू बी आपका क्या आया हुआ है, एक आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने अभी आपको बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी कर ले, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी कर ले, लेकिन कोई एक ही काम करे, ठीक है। तो ए प्लस बी हमने निकाला है तो ये आया हुआ हमारा 12, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 2 इंटू 1, 144 में से 2 को माइनस करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा 142, सही है। आप लोग का आंसर आ रहा क्या? चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वें नंबर का अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मजा आ रहा आप लोग को? अरे भाई साहब मजा आ रहा है क्या? राहुल गांधी वाला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये हमारा होगा 11वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 11वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, इफ ए इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री एंड बी इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी प्लस बी बाई ए। ये दिया हुआ हमारा, ये पूछा जा रहा हमसे, ये दोनों दिया हुआ ए और बी, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए बाई बी प्लस बी बाई ए हमें निकालना है, ठीक है। तो अलग अलग रूप से अलग अलग तरह से यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सेम ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा ऑप्शन 168 है, तीसरा ऑप्शन 194 है, चौथा ऑप्शन 144 है, आप लोग करने का कोशिश कर लो फिर। चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। इस बात पे आप गौर करो, ये असल में है क्या, a बाई बी प्लस बी बाई ए है, तो ये असल में है क्या कि a और b का आप अगर ले लेंगे LCM तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और नीचे में क्या दिया हुआ है, ए बी। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी और ए इंटू बी ही सिर्फ चाहिए हमें। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग ए प्लस बी निकालने का और फिर ए इंटू बी निकालने का। तो ए प्लस बी कैसे आएगा, टू प्लस रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री। बार बार मैंने पिछले 9 क्वेश्चन में लगभग मैं इसका जिक्र किया है, तो आपको समझ में अब तक में आ गया होगा कि ये कैसे निकालेंगे, टू इंटू ए स्क्वायर यानी चार और रूट थ्री का स्क्वायर यानी तीन, और दोनों का अंतर क्या है, दो का स्क्वायर का चार, रूट थ्री का स्क्वायर तीन, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, आपका एक आ जाएगा। तो चार तीन सात दुनी 14, तो a प्लस बी आपका क्या आ गया, 14, और a इंटू बी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, क्लियर। अब आपको करना क्या है, इस जगह पे a प्लस बी के जगह पे 14 रखना है, 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 ही होगा, और नीचे में a इंटू बी है यानी 1 है। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196, 196 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 194, क्लियर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका भी आंसर यही आया होगा। बढ़ते फिर हम लोग 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
बारहवें नंबर का आप क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ। आप लोग जल्दी से करने का कोशिश करेंगे, जब तक मैं ऑप्शन लिखूंगा आप कोशिश करें कि आपसे बन जाए। इफ़ लिखा हुआ एक्स बराबर थ्री प्लस रूट सेवन बाई थ्री माइनस रूट सेवन, रूट सेवन, ठीक है। एंड लिखा हुआ है वाई बराबर थ्री माइनस रूट सेवन बाई थ्री प्लस रूट सेवन, ठीक। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप जल्दी से इसे करने का कोशिश करें, तब तक मैं ऑप्शन आपका लिखता हूँ। 250 दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ, 254 तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ, 256 चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स वाई, और बाई नीचे में क्या दिया हुआ हमारे पास एक्स वाई, इसका मतलब एक्स प्लस वाई चाहिए और एक्स इंटू वाई चाहिए। अब एक्स प्लस वाई हम लोग अब लिखते नहीं है, कोशिश करते हैं कि मेंटली हम लोग कर ले इसको। तो एक्स प्लस वाई ध्यान से समझना है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2 इंटू थ्री का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 9 7 16 गुना 2 हुआ, 16 इंटू 2 हुआ, और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 रूट 7 का स्क्वायर 7, तो दोनों का अंतर नीचे में 2 हुआ, तो ऊपर में क्या था 16 इंटू 2 और नीचे में क्या था 2, तो 2 और 2 कट गया, तो a प्लस बी हमारा यानी x प्लस वाई जो आया वो क्या आया 16, और x इंटू वाई हमारा क्या आएगा 1 आएगा, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 बटे क्या लिखेंगे 1, तो 16 का स्क्वायर 256 में से 2 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 254, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या, ये आपको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत बार मैं बता चुका अभी तक में, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा दोनों का अंतर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 2 इंटू 9 7 16 और नीचे में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 रूट 7 का स्क्वायर 7, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो क्या आया a प्लस बी बराबर क्या आया a प्लस बी बराबर हमारा 16 आया, बस 16 हमने रखा और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर। इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ, यहां पर आप देखिए कि फिर से वही क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ रूट थ्री प्लस रूट टू बाई रूट थ्री माइनस रूट टू, एंड बी बराबर दिया हुआ रूट थ्री माइनस रूट टू बाई रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। इस बार आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पता करना है। यहाँ पर ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, आप ऑप्शन से पहले आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो समझ लो कि आपका जो तैयारी है, ये जो हमने पिछले आधे घंटे से बक 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 किया है, वो हमारा सफल है, ठीक है। चलो अब आपको क्या पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकालना, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकालोगे तो क्या आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब माइनस टू ए बी और माइनस ए बी है तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस बी और ए इंटू बी चाहिए सिर्फ, तो ए प्लस बी, अब तो बताते बताते मैं थक चुका हूँ कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा बताइए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर 3 रूट टू का स्क्वायर 2, तो दोनों मिलके हो जाएगा 5 और नीचे में अंतर क्या हो जाएगा 1, तो a प्लस बी आपका क्या आ गया 10 और a इंटू बी आपका क्या आ गया 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस से क्रॉस कट जाएगा, देख लो आप ये हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, 10 को उठाना है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे रखना है और 3 गुना 1 कर देना है, तो 10 का स्क्वायर 100 में से 3 को माइनस करेंगे तो 97 आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन भी दिया हुआ इसी तरह से, इफ ए इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू बाय रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है, एंड
एंड दिया हुआ है बी इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू बाई रूट थ्री प्लस रूट टू। इस बार जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है क्वेश्चन में, ठीक है। इसका ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ 62 बाई 61, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 63 बाई 61, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 64 बाई 61, चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 99 बाई 97, ठीक। जल्दी से इसको बनाने का आप कोशिश करें। आप ऊपर में अगर गौर से देखना चाहेंगे तो इस चीज़ को आप लोग कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो इतना दूर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस ए बी हो जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी माइनस ए बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दो बार माइनस है तो माइनस थ्री ए बी, क्लियर। अब हमें पता क्या करना है, ए प्लस बी और ए इंटू बी। अब ए प्लस बी बताते बताते मैं थक चुका हूँ, आप सबको पता चल चुका है कि कैसे निकलता है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टू इंटू रूट थ्री का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर पाँच यानी दस, और दोनों का अंतर नीचे में हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर का अंतर एक, तो नीचे में एक आ जाएगा, तो ये आपको पता चल चुका है दस, ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा एक, क्रॉस देखो कट जाएगा। अब इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और इसके जगह पे 10 का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन यानी थ्री, तो 10 का स्क्वायर 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99 और 100 में से 3 को माइनस करेंगे 97 और आंसर आ गया 99/97। क्लियर हो पा रहा क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 15 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री बाय दिया हुआ रूट फाइव माइनस रूट थ्री, ठीक है, एंड बी दिया हुआ हमारा रूट फाइव माइनस रूट थ्री, ठीक है, और बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री। और इसका जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो पिछले क्वेश्चन के तरह ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन दिया हुआ इस प्रकार से 62/61 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 63/61, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 64/61, चौथा ऑप्शन दिया हुआ नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे, उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपसे ये बन चुका होगा, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और माइनस टू ए बी प्लस ए बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए बी, तो सिर्फ माइनस ए बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी और माइनस ए बी, तो यहां भी वही चीज हो जाएगा जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था, माइनस थ्री ए बी। अब हमें पता करना है सिर्फ ए प्लस बी और पता करना है ए इंटू बी, तो अगर आप ए प्लस बी पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, टू इंटू ए प्लस बी, तो टू इंटू रूट फाइव का स्क्वायर फाइव रूट थ्री का स्क्वायर थ्री बाय रूट फाइव का स्क्वायर फाइव रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, दोनों का अंतर, तो दो से दो आपका कट जाएगा, ए और बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आठ, और ए इंटू बी बराबर आपका एक ही हो जाएगा, देख लो आप क्रॉस काट करके, ठीक। अब आपको करना है सिर्फ a प्लस बी के जगह पे इसको बैठाना है, ए आठ का स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा एक, आठ का स्क्वायर माइनस थ्री, तो आठ अटे 64 में से एक को माइनस करोगे तो 63, आठ अटे 64 में से तीन को माइनस करोगे तो 61, आपका आंसर आ गया 63/61, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, देख लो 16वें नंबर का क्वेश्चन, देखो वीडियो जरूर आपका बड़ा बन रहा है लगभग एक घंटे का, बट मेरा जो कोशिश रहेगा कि मैं 600 का 600 क्वेश्चन आपको करवा दूं, ठीक है।
600 का 600 क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। जिस दिन आपसे ये 600 का 600 हो जाएगा, मैं समझ लूँगा कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हुआ। ठीक है, तो समय को देखते हुए आज के सेशन का वैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं 16। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर 17 नंबर के क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक, तो 16 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि क्या दिया हुआ है। इफ एक्स बराबर है रूट फाइव प्लस वन बाई रूट फाइव माइनस वन। ठीक है, एंड इसी तरह से आपका दिया हुआ है रूट फाइव माइनस वन बाई रूट फाइव प्लस वन। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ 2/3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 4/3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 5/3 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1/3। देखो भैया, ये कुछ नहीं है, ये बस सीधा सीधा ए बी को जो उस तरफ था उसको बीच में लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस इतना कर लो, प्रैक्टिस आप इतना कर लो कि आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाए। अब हम लोग यहाँ पर एक मेंटल कैलकुलेशन जल्दी से करने का कोशिश करते हैं और आपका काम है कि आप इसको विस्तार से बना ले। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस ए बी है तो एक बात तो पता चल गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर में आएगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab नीचे आएगा। असल में आपको करना है, ये आपका टास्क है, बट मैं आपको यहाँ पर करके दे रहा हूँ। तो a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 2 × √5 का स्क्वायर 5, एक 6, तो 6 × 12 और 12/2 इस दोनों का अंतर, तो 5 √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, अंतर क्या आया 4। तो बताओ कि a प्लस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का 1/4 निकालेंगे तो 3 आ गया और a इंटू बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करके भी देखेंगे, मैं आपको थोड़ा स्पीड में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 को माइनस करना है, और सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 में से फिर 3 को माइनस करना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 8/6, यानी आंसर हो गया 4/3, यही आपका आंसर रहा। क्लियर, चलो तो आज के सेशन में बस हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग 17 नंबर के क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो शेयर ज़रूर करो, हमारे चैनल का भी भाई ग्रो करो, कुछ हमारे चैनल का भी भला करो, है ना। यहाँ पर झूठ बोल के फरेब करके यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है सो अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फालतू फालतू क्वेश्चन सब करवा करके, खैर उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो ठीक है, तो शेयर ज़रूर करो, लाइक तो करो ही, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।